हेलो दोस्तों। सो इस कोर्स में हम देखेंगे वाइस रॉयस ऑफ इंडिया और उनके कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। सो ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े बहुत आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफ में बताऊं तो ब्रिटिशर्स 1600 सन में इंडिया आए थे। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है। सो क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर दिया था कि भाई आप जाओ इंडिया में और आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो और आपको ट्रेड करना है और आपको माल खरीद के यूरोप लाना है, ठीक है। लेकिन 1765 आते आते जो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी उसको रेवेन्यू राइट्स भी मिलने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो है मतलब वहाँ से क्या हुआ कि पूरी तरीके से उनका जो ट्रेडिंग फंक्शन है वो फिर धीरे धीरे वो जो है पॉलिटिकल होता गया और फिर उन्होंने इंडिया पे राज करना स्टार्ट किया। सो वाइस रॉयस और गवर्नर जनरल जो थे वो हेड होते थे उसके जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। सो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द हेड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो जो ऑफिस ऑफ वाइस रॉय था वो सबसे पहले कब फॉर्म हुआ, 1773 में। सो जो द कंपनी रूल बेसिकली स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वहाँ से बेसिकली गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करके डेजिग्नेट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 1773 में टू रूल ओवर फोर्ट विलियम, ओके। सो कैलकटा में जो फोर्ट विलियम था उसको रूल करने के लिए एंड वॉज नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वाइस रॉय ऑल्सो सुपरवाइज अदर ईस्ट इंडिया ऑफिशियल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई वाइस रॉय जो है वो हेड हुआ करता था, ओके। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अदर ऑफिशियल्स थे उनको भी ये सुपरवाइज करते थे। सो कंप्लीट अथॉरिटी टू वाइस रॉय ओवर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ग्रांटेड इन 1833, ठीक। सो 1833 का जो एक्ट था चार्टर एक्ट, उसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उनको पूरी सिविल और मिलिट्री पावर दे दी गई, ठीक है। सो कुल मिला के 1833 के एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली पूरी जो अथॉरिटी थी वो ब्रिटिशर्स को मिल गई, ओके। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल जो है कंपनी के वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 से बने, ठीक है। सो 1858 आते आते इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आ चुका था। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ओके। सो रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट करते हैं। सो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1757 से 1760 और उसके बाद 65 से 67, 2 साल के लिए फिर से, ओके। सो ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया और साथ ही साथ बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757। सो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अगर आपको जानना है तो यू कैन आस्क मी, आई शेयर यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। मैंने इसके ऊपर लेसन बनाया हुआ है, ठीक है। सो बैटल ऑफ प्लासी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ इन्होंने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड इस्टेब्लिश की थी 1765 में विथ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन सॉल्ट टबैको एंड टोबैको, ओके। सो जिससे कि क्या होगा कि भाई टू सपोर्ट कंपनीज ऑफिशियल हु वर अदरवाइज इंडल्जिंग इन प्राइवेट ट्रेड्स या फिर ब्राइबरी। तो कुल मिला के जो है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की शुरुआत की थी बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने। सो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बस इतनी चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। सो वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले जो बेसिकली कंपनी के बने थे 1773 से। सो ओके, सो ही ऑल्दो ही जॉइंड एज गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन अप्रैल 1772 से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो जो डुअल सिस्टम मैंने आपको बताया कि भाई रॉबर्ट क्लाइव ने रखा था, उस डुअल सिस्टम को इन्होंने ख़त्म किया और नवाब ऑफ बंगाल जो थे उनकी पेंशन को इन्होंने काटी और हाफ करी, ठीक है। और साथ ही साथ भाई एक ट्रिब्यूट, पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट का एक सिस्टम चलता था जो कि दिल्ली एम्पायर को देना पड़ता था, शाह आलम टू उस टाइम थे। सो उस सिस्टम, उस सिलसिले को भी इन्होंने ख़त्म किया कि भाई अब कोई पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। बिकॉज हिज टेरिटरीज वर सेक्ड बाय मराठास, ठीक है। उसकी जो भी टेरिटरीज थी वो मराठाओं ने ले ली थी और अब वो सिर्फ नाम का एम्पायर हुआ करता था इसीलिए, ठीक है। एंड ऑल्सो ही मूव्ड ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकटा, हैंस मेकिंग इट सेफ फ्रॉम मराठास, ठीक है। सो मुर्शिदाबाद में जो इनकी ट्रेजरी हुआ करती थी कंपनी की उसको इन्होंने कलकत्ता शिफ्ट किया जिससे कि वो मराठाओं से,
मराठाओं से दूर रहे और सुरक्षित रहे. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रायल ऑफ महाराजा नंद कुमार हु मेड एक्यूजेशंस अगेंस्ट द गवर्नर जनरल बट वॉज इन टर्न एक्यूज ऑफ फोर्जरी एंड हैंग्ड फॉर इट. ठीक है, तो ये कोई इतना खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं. तो लॉर्ड बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ये दो चार चीज़ें हैं जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग ने जुडिशल रिफॉर्म भी लाए थे, तो दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, ये सारी चीज़ें उन्होंने 1772 में इस्टेब्लिश की थी. ठीक है, सो जो दीवानी अदालत हुआ करती थी वो इंग्लिश कलेक्टर उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जो फौजदारी अदालत थी उसे इंडियन ऑफिसर्स जो कि काजी मुफ्ती हुआ करते थे वो उसको प्रिसाइड करते थे. सो दोनों जो कोर्ट्स थी वो बेसिकली कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई थी. फाइन, सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी जो है वो फॉर्म की गई थी इसी टाइम में विद द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स ऑन 15 जनवरी 1784 बाय सर विलियम जोन्स. ठीक है, सो ये विलियम जोन्स एक ब्रिटिश लॉयर एंड ओरिएंटलिस्ट थे जिन्होंने ओरिएंटल स्टडीज़ को इनकरेज करने के लिए ये किया. ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 एंड 1775 वॉज साइंड अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, एंड ही वॉज चार्ज्ड इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटेन फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स लाइक द रोहिला वॉर ट्रायल एंड फलाना फलाना. ठीक है, सो इन्हें इम्पीच भी किया गया था. ओके, सो ये करप्शन के लिए इम्पीच हुए थे और फिर 1795 में ही जो है इनको वहाँ से छूट मिली थी जो भी चार्जेस थे. ओके, सो ड्यूरिंग हेस्टिंग रीन्स मनूस लॉ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज कोड ऑफ केंटो लॉस. ओके, सो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर भी इन्हीं के दौरान में पब्लिश हुआ जिसे बंगाल गजट कहा जाता है. एंड जोनाथन डेक्कन एस्टेब्लिश्ड न्यू संस्कृत स्कूल. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जॉन मैकफर्सन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली एक साल 1785 से 86 के बीच में ये रहे थे. ओके, सो एक्टिंग गवर्नर जनरल बीइंग सीनियर ऑफिसर ऑफ काउंसिल एंड नो वॉर टुक प्लेस. और फिर ये उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नाम के लिए मैंने इंक्लूड किया. कॉर्नवालिस. ओके, सो कॉर्नवालिस जो है ये भी एक फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं. 1786 से 1793 तक ये गवर्नर जनरल थे. ओके, सो इनके पास लैंड सेटलमेंट पॉलिसी का चार्ज भी था. ठीक है, और फिर उसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपको पता ही है 1784 का, तो ये सारी चीज़ें हुई थी. सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर बात करें तो इन्होंने इस कंपनी के सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ा दी. ही रिजर्व्ड ऑल हायर पोस्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूरोपियन. ओके, जितने भी हायर पोस्ट हैं वो यूरोपियन के लिए रिजर्व रख दिए, बिकॉज इनका कहना था कि भाई जो यहाँ के नेटिव लोकल पीपल हैं इनका ये कुछ नहीं कर सकते, ये ऊंची पोस्ट लायक है नहीं. ड्यूरिंग हिज रूल डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू थानास एंड इंस्पेक्टर वॉज मेड इन चार्ज ऑफ ईच थाना. ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो SP की पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी इनके कॉर्नवालिस के ज़माने में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. ठीक है, और साथ ही साथ जो कलेक्टर को पावर दी जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कलेक्टर को भी दी गई थी. और कुल मिला के कई सारी जुडिशल रिफॉर्म्स भी कॉर्नवालिस के टाइम में हुए थे और एक कॉर्नवालिस कोड आया था. ओके, सो जुडिशल रिफॉर्म जो थे वो सारे कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 में डॉक्यूमेंटेड थे. फाइन, सो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो एक बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन थी 1793 में इनेक्ट की गई थी बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू इम्प्रूव द गवर्नेंस. ओके, सो जो भी इनकी टेरिटरीज है इंडिया में उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये कॉर्नवालिस कोड था. ओके, जमींदार्स हैड टू लेट गो ऑफ ऑल पुलिस पावर्स एंड इट वॉज गिवन टू इंग्लिश मजिस्ट्रेट्स. ठीक, और साथ ही साथ मैंने आपको जैसा कि बताया कि भाई जुडिशल सिस्टम को सॉर्ट आउट करते हुए इन्होंने क्या किया कि कोर्ट्स सेटअप किए डिफरेंट लेवल्स में, लोअर कोर्ट्स, अपीलेट कोर्ट्स एंड सेपरेशन ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन. भाई रिवेन्यू काम अलग, जुडिशल काम अलग, पूरा जो है उसको एक तरीके से सेपरेट कर दिया. ब्रॉड लैंड टैक्सेशन रिफॉर्म जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट रिफॉर्म ऑफ बंगाल भी कहते हैं. और साथ ही साथ एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी हिंदुओं के लिए बनारस में 1791 में, जिसे अभी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ संस्कृत के नाम से जाना जाता है. ओके, और एक मिंटिंग प्रेस भी कलकत्ता में स्टैंडर्ड और रिलायबल करेंसी के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश की थी. और कॉर्नवालिस ने ही सिविल सर्विसेज इन इंडिया की शुरुआत की थी. ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये बिल्कुल आप भूलना मत, ये याद रखना. ठीक है, सो मूविंग अहेड,
सर जॉन शोर। सो ये जॉन शोर और ये जो भी हैं एल्यूड क्लार्क, ये नॉट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट नाम याद रख लो। सो 1793 से 1798 जॉन शोर थे, और उतना कोई खास इवेंटफुल नहीं रहा। बैटल ऑफ खरड़ा 1795 में निज़ाम और मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट भी थे, तो परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 का था उसमें भी इनकी थोड़ी बहुत भूमिका थी, और बस इतना ही है। एल्यूड क्लार्क भी 1798 से मई 1798 2-3 महीने के लिए रहे थे, तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। सो वेलेस्ली 1798 से 1805 थे। सब्सिडरी अलायंस, ओके, सो सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है हुआ था, जहाँ पे टीपू सुल्तान को ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया था, एंड हिज डोमिनियंस वॉज डिवाइडेड, हाफ डिवाइडेड बिटवीन निज़ाम एंड ब्रिटिश। ओके, सो टीपू सुल्तान की जो टेरिटरीज थी उसे निज़ाम और ब्रिटिशर्स के बीच में आधा आधा बांट दिया गया, और साथ ही साथ प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास क्रिएट किया गया था इनके रीन में, ठीक है। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकटा। सो सब्सिडरी अलायंस जो है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको सब्सिडरी अलायंस के बारे में पता ही होगा, यहाँ पे मैं इस चीज़ को अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी तक इस लेसन में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में हम और भी वाइस रॉयस के बारे में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ऑसम डे। हेलो दोस्तों, सो हम कंटिन्यू करते हैं वाइस रॉयस ऑफ इंडिया एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। ओके, सो लॉर्ड वेलेस्ली तक हमने देखा था, और नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 1807 से 1813 तक ये थे। उसके पहले जॉर्ज बॉर्लो भी थे। ओके, सो ये कुछ नाम बस आप याद रख लो। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी राजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में, और साथ ही साथ चार्टर एक्ट 1813 और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 जो है पास ऑन की गई थी इस पर्टिकुलर मिंटो के शासन में, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओके, सो लॉर्ड हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एंग्लो नेपालीस वॉर, जिसे गुरखा वॉर कहते हैं, ओके, सो गुरखास ने ट्रीटी ऑफ सगौली एक्सेप्ट की थी, और ड्यू टू हिज सक्सेस ही वॉज मेड मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ सगौली के साथ ये लड़ाई खत्म हुई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817-1818। ओके, सो मराठा की पावर जो है पूरी तरह क्रश की गई थी, और पेशवाशिप और जो भी सारी चीज़ें हैं अबॉलिश कर दी गई थी, और मराठास की सारी जो भी टेरिटरीज है उनको एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई गई, ठीक है। सो ही कन्फर्म द परचेज ऑफ सिंगापुर फ्रॉम सुल्तान ऑफ जाहौर बाय सर स्टैमफोर्ड रैफल्स इन 1819। सो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम इन सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। ओके, सो रियोतवाड़ी सेटलमेंट की इंट्रोडक्शन इन्होंने की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ओके, पहली कॉफ़ी प्लांटेशन हुई थी इनके ज़माने में। ओके, और उसी तरीके से बेसिकली टी प्लांटेशन भी हुआ था। ओके, सो ये सारी चीज़ें हुई थी, और रियोतवाड़ी सिस्टम मैंने आपको बता दिया। सो आगे बढ़ते हैं। विलियम बटरवर्थ बेली, ये नाम है, 1828 से बेसिकली 3-4 महीने के लिए रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। सो ये 7 साल के लिए रहे, 1828 से 1835, ठीक है। सो ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मद्रास। पहले इनको 1803 में गवर्नर ऑफ मद्रास भी बनाया गया था, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सो हिज टेन्योर वॉज नोन एज टाइम ऑफ सोशल रिफॉर्म। इन्हीं के टाइम में सती अबॉलिश हुई थी 1829 में। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और साथ ही साथ सपरेशन ऑफ ठगी। ओके, सो ठगी वगैरह जो ठग्स का जो एक तरीके से कारोबार चल निकला था उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया। सो इट कंट्रीब्यूटेड टू द मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल, और साथ ही साथ सपरेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। ओके, सो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है बहुत ही हॉरिबल और हार्टलेस क्राइम था, जो कि सिविलाइज्ड पीपल भी करते थे, ठीक है। सो उसको यहाँ पे ख़त्म किया गया। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विलियम बेंटिक के टेन्योर को सोशल रिफॉर्म का टाइम भी कहा जाता है। और चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ था इनके टाइम में, और ईस्ट इंडिया कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी ना रह के पूरी तरीके से पूरी इंडिया जो है, ईस्ट इंडिया मतलब एक तरीके से अब वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, अब वो यहाँ की सरकार बन गई थी, ठीक है। इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, और साथ ही साथ इन ऑर्डर टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम इन ईस्ट इंडिया कंपनीज फाइनेंसेस बहुत सारे मेजर लिए गए थे। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन द लोअर कोर्ट्स।
और इंग्लिश इन द हायर कोर्ट, ऐसे ऐसी कई सारी चीज़ें विलियम बेंटिक के शासन में हुई थी। ठीक है, प्रोविंस ऑफ आगरा क्रिएट किया गया, एनेक्सेशन ऑफ कुर्ग और कई सारे जुडिशल रिफॉर्म्स भी हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स मेटकाफ, सो ये 1835 से 1836 रहे, सो इंडियन प्रेस लिबरेशन, इसलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। सो बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेटकाफ के रीन में हुई थी। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर बात करें, सो ये 6 साल तक 1836 से 1842 रहे। ओके, सो पहली एंग्लो अफगान वॉर और साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी, और लॉर्ड ऑकलैंड ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी कैलकटा से दिल्ली। ओके, और इनके पीरियड में ही शेर शाह सूरी मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से रीनेम किया गया था। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक ट्राइपेटाइट ट्रीटी 1838 में साइन हुई थी बिटवीन रंजीत सिंह, लॉर्ड ऑकलैंड एंड शाह सूजा ऑफ अफगानिस्तान। सो ही ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ नेटिव स्कूल्स एंड द एक्सपांशन ऑफ द कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड एलन बोरो, सो ये 2 साल तक थे 1824 से 1844, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ठीक है, सिंध को इन्होंने अपने कब्जे में किया। और कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ही एंडेड टोल्स एंड ड्यूटीज थ्रू आउट सिंध एंड बहावलपुर, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जेम्स नेपियर को रिप्लेस किया मेजर आउटरम से, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एलन बोरो। ओके, देन विलियम विल्बर फोर्स बिल्ड, सो ये 1 महीने के लिए थे, नाम बस थोड़ा बहुत देख लो। और सर हेनरी हार्डिंग, ओके, सो सर हेनरी हार्डिंग ए वन बेसिकली जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको पब्लिक सर्विसेज के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ऐसा इन्होंने हार्डिंगे ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सो हार्डिंगे के टाइम में जो है बेसिकली 1845 से 46 में पहली एंग्लो सिख वॉर हुई, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर 1946, ट्रीटी ऑफ अमृतसर मार्च 1846, सॉरी 1846, 1900 मैंने बोल दिया, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। सो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हार्डिंगे के बारे में। ओके, अब अगले लेसन में हम लॉर्ड डेलहाउजी से स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो हम कंटिन्यू करेंगे वाइस रॉयस ऑफ इंडिया और उनके कंट्रीब्यूशंस को। ठीक है, सो लॉर्ड डेलहाउजी से हम स्टार्ट करते हैं। सो 8 साल का इनका कार्यकाल था, और लॉर्ड डेलहाउजी जो थे वो यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, सो 36 साल की एज में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, और उनका जो एट ईयर का जो रूलिंग पीरियड था वो सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है। ठीक है, सो ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो सब्सिडरी अलायंस वेलेसली के टाइम हुआ था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डेलाउजी के टाइम। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही कमांडेड सेकेंड बर्मिस वॉर एंड कैप्चर्ड वेरियस पार्ट्स ऑफ बर्मा, और साथ ही साथ कई सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लॉर्ड डेलाउजी ने किए थे। ओके, सो सर चार्ल्स वुड जो थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उन्होंने कुछ वेरियस चेंजेस उन्होंने रिकमेंड किए थे इन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। सो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वुड्स डिस्पैच के बारे में। ओके, सो लॉर्ड डलहाउजी ने काफ़ी सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स इस रिकमेंडेशन के तहत इम्प्लीमेंट भी किए। सो एग्जामिनिंग बॉडीज सिमिलर टू लंदन यूनिवर्सिटी वर ओपन इन 1857। ठीक है, सो कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में ये ओपन की गई। और पहली रेलवे कम्युनिकेशन की लिंक 1855 में इनके ही कार्यकाल के दौरान कंप्लीट हुई थी, टू सर्व फॉर स्ट्रेटेजिकल नीड्स एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स। ओके, और साथ ही साथ जो प्राइवेट एंटरप्राइज थे उनको इनकरेज किया गया कि वो रेलवे को डेवलप करें इंडिया में, और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो है डलहौजी के टेन्योर में किए गए। फॉर एग्जांपल गैंगेस कैनल, ओके, सो ये कैनल कंप्लीट किया गया था 1854 में। लिबरल कंट्रीब्यूशंस वर मेड फॉर मेटल रोड्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 के तहत डायरेक्टर जनरल वॉज मेड इन चार्ज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग पोस्ट ऑफिसेज। सो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये पॉइंट। डलहौजी ने ही हेडक्वार्टर्स जो था बंगाल आर्टिलरी का, उसको कैलकटा से मेरठ शिफ्ट किया। ओके, और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम डलहौजी के टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, गोरखा रेजिमेंट क्रिएट किया गया, वीडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ,
फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो पूरी तरीके से अभी भी ऐसा नहीं है कि बेंटिक के टाइम ख़त्म हो गया, तो आगे आने वाले भी जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने भी फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करने का काम किया, मतलब उसमें सहयोग किया। और साथ ही साथ जो ह्यूमन किलिंग्स की जो प्रैक्टिस थी बाय द कोन्स ऑफ उड़ीसा मद्रास एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, भाई वो क्या करते थे कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इंसानों को ही मार दे रहे थे, तो उसको उस प्रैक्टिस को भी इन्होंने ख़त्म की। रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट जो है वो 1850 में पास किया गया था, विच इंश्योर दैट इवन आफ्टर कन्वर्टिंग रिलीजन वन इज़ वैलिड फॉर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो जो भी बाप दादा की प्रॉपर्टी है उसके उसका अधिकार आपको रहेगा अगर आप धर्म परिवर्तन भी कर लेते हो, उसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की वॉज सेटअप, ठीक है, सो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेम्स थॉमसन, उन्होंने सेटअप किया था। सो ये लॉर्ड डलहौजी का कुछ इम्पोर्टेंट बेसिकली कार्यभार था। सो पोस्टल रिफॉर्म्स इन्होंने किए, टेलीग्राफ का काम किया, एजुकेशन का काम किया, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पे मैंने जैसे आपको बताया गंगा कैनल और ये सारी चीज़ें हुई, और फिर साथ में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग, सो 6 साल तक 1856 से 62 तक ये रहे। सो इन्होंने भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ कैलकटा मद्रास और बॉम्बे में इस्टेब्लिश की, और साथ ही साथ इनके ही टाइम में 1857 का जो म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी जिसे हम कहते हैं, जो आज़ादी की एक तरीके से पहली लड़ाई थी वो हुआ था। ओके, सो ही वॉज बेसिकली कैनिंग ही जो थे वो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइस रॉय बने। ठीक है, क्योंकि 1858 से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल में इंडिया आ चुका था। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। बहादुर शाह टू उन्हें रंगून में उन्हें रंगून भेज दिया गया था भाई, ट्रीजरी के चार्जेस के लिए। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इनके पिछले डेलहाउजी ने स्टार्ट की थी उसको इन्होंने विड्रॉ किया 1858 में, क्योंकि उनको लगा कि 1857 में जो भी अभी अनरेस्ट हुआ है, जो अभी मारधाड़ हुई है, हो सकता है उसकी वजह उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर मैं हटा दूं तो कुछ शांति मिले। ओके, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई, मैंने आपको बताया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ कैनिंग के टाइम में ही इंडियन पीनल कोड की इनैक्टमेंट हुई थी। ओके, सो इंडियन काउंसिल एक्ट और साथ ही साथ जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें कैनिंग के टाइम में ही हुआ था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859 वॉज पास्ड आफ्टर 66 ईयर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन वन, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, 1862 से 63 एक साल रहे। वहाबी मूवमेंट जो है इनके टाइम में ख़त्म हुआ था। फिर रॉबर्ट नेपियर रहे थे 1863 नवंबर से दिसंबर 1 महीने के लिए। उसके बाद सर विलियम डेनिसन, ओके, सो विलियम डेनिसन भी ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहे। विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स इन्वॉल्व इन सिटाना, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे जॉन लॉरेंस की। ओके, सो जॉन लॉरेंस जो है वो बेसिकली आपका 63 से 1863 से 1869 तक थे। सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। सो भूटान भूटान वॉर जो है वो इनके टाइम में लड़ी गई थी ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में, जो कि ख़त्म हुई थी बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सिंचुला। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया और यूरोप के बीच में टेलीग्राफिक लाइन ओपन की गई। ओके, और जो ग्रेट फेमाइन ऑफ उड़ीसा राजपूताना एंड बुंदेलखंड टू प्लेस विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ फेमाइन कमीशन, पूरी भूखमरी और सब कुछ, मतलब जिसे हम सी ऑफ कैलामिटी के नाम से जानते हैं, वो हुआ था, है ना। और साथ ही साथ यूरोप से टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी, और एक मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी फॉलो की गई थी कि भाई अब अफगानिस्तान में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लॉरेंस के टाइम पे। लॉर्ड मायो 1869 से 1872 थे। सो लॉर्ड मायो ने क्या किया था, स्टेट रेलवे का सिस्टम जो है इन्होंने शुरुआत की थी। ओके, और स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया हंटर के अंदर में इनके दौरान ही ऑर्गेनाइज हुई थी। ओके, सो पहली सेंसस कब हुई थी, 1872 में। ओके, सो पहली सेंसस 1872 में हुई थी, उस टाइम लॉर्ड मायो ही थे आपके वाइस रॉय।
ठीक है। सो फेमस मायो कॉलेज जो है अजमेर में स्टैब्लिश की गई थी इनके द्वारा टू गिव क्वालिटी एजुकेशन। ही वर्क टूवर्ड्स कंसोलिडेटिंग इंडियाज़ फ्रंटायर्स एंड फिनांसिस। ओके, सो जो भी फाइनेंस हैं, फ्रंटायर्स हैं, मतलब जो भी बॉर्डर वगैरह, उन सबको कंसोलिडेट करने का भी इन्होंने काम किया। और बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी द्वारा। सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देन जॉन स्ट्रेची, सो ये भी ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहे। फिर लॉर्ड नेपियर, ओके सो लॉर्ड नेपियर नाम आप बस देख लो। फिर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ओके सो कूका रिवॉल्ट, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो कूका रिवॉल्ट है। 1872 पंजाब में कूका रिवॉल्ट हुआ था इनके दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान। और इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 1875 में फॉर्म हुई थी, जो आप देखते हो मानसून वगैरह प्रेडिक्ट करते हैं। फिर इंकम टैक्स, ओके सो जो लॉर्ड कैनिंग में के टाइम में जो मैंने आपको बताया कि भाई एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इनकम टैक्स इम्पोज किया गया था, वो यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने अबॉलिश कर दिया। बुक या ब्रुक, सॉरी नॉट बुक, ये ठीक कर लो। ओके, और बिहार फेमाइन 1873-74 का हुआ था। लॉर्ड लिट्टन, सो लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 तक रहे। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लिट्टन के टाइम में हुई थी वो थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, सो ये पास ऑन की गई थी टू कर्ब फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस एंड राइट टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसीज। ओके, और पहली फेमाइन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो इनके टाइम में हुई थी अंडर सर रिचर्ड स्ट्रेची। ओके, तो ये सारी चीज़ें कुछ हुई थी। और साथ ही साथ सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ब्रिटिश राज और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बीच लड़ी गई। ट्रीटी ऑफ गंदमक 1879 मोहम्मद यकूब खान और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में साइन हुआ था। और इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप स्लाइड फॉर्मेट में भी जाके पढ़ सकते हैं और इन्हें याद करने की कोशिश कर सकते हैं। देन लॉर्ड लिट्टन, सो लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया था? लॉर्ड लिट्टन के टाइम में भी भाई फेमाइन और पूरा मतलब भूखमरी का आलम साउथ इंडिया में था। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 का इन्होंने पास किया। सेकेंड सेंसस जो पहला 1872 में हुआ था, दूसरा यहाँ पे 1881 में हुआ है ना। और इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी 1882 में। इसीलिए लॉर्ड जो आपका रिपन है उन्हें बेसिकली फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। लिट्टन की हम बात कर रहे थे। लॉर्ड लिट्टन के टाइम में बेसिकली अलीगढ़ कॉलेज की भी स्थापना हुई थी 1877 में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एलिजिबिलिटी एज। ओके, सो सिविल सर्विसेज में जो एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी एज है उसे 21 से 18 साल ला दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में मैं आपको बता रहा था। ओके, सो लॉर्ड रिपन के टाइम में क्या हुआ था कि भाई सेकेंड सेंसस की शुरुआत हुई थी 1881 में, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ओके, और एल्बर्ट बिल, ओके सो राइट ऑफ इंडियन जजेस टू ट्रायल यूरोपियन इन कोर्ट्स, जिसे एल्बर्ट बिल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके टाइम ही हुआ था। ओके, सो ही वॉज अ लिबरल लीडर हु वॉन्टेड टू ग्रांट मोर लीगल राइट्स। वो चाहते थे कि भाई जो नेटिव इंडियंस हैं उनको और ज़्यादा जो लीगल राइट्स हैं वो मिले। और साथ ही साथ भाई ये चाहते थे कि इंडियंस अपने जो भी अफेयर्स हैं वो खुद से मैनेज करना सीखें, इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने इंट्रोडक्शन इन्होंने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिपन ने एबॉलिश कर दिया 1881 में, ठीक है। और पहली फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्होंने इनेक्ट की थी 1881 में। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 21 से 18 वाला जो हुआ था ये मतलब लिट्टन और रिपन के उसमें हुआ था, तो उसमें भी लिट्टन में भी हम इसको बोलते हैं और रिपन में भी इसे बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कई बार रहता है। सो उतना कोई आप सोचो मत इसके बारे में। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें, सो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, क्योंकि ये 84 से 88 के बीच में थे। ओके, सो डफरिन के टर्म में ही INC की शुरुआत हुई। ही स्टैब्लिश्ड इंपीरियल सर्विस कॉर्प्स जो कि इंडियंस के द्वारा हेडेड था। फिर तीसरा और आखिरी बर्मिस वॉर जो है बर्मिस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो लड़ी गई थी वो हुआ था। और फिर पंजदे इंसिडेंट ऑफ 1885। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डफरिन के बारे में। और फिर लॉर्ड लैंसडाउन, सो बेसिकली हिज करियर एज वाइस रॉय वॉज मेनली फोकस्ड ऑन रिफॉर्मिंग द आर्मी पुलिस लोकल गवर्नमेंट एंड द मिंट। ओके, सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास ऑन हुआ।
और 1891 का फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ, डूरेंट कमीशन की अपॉइंटमेंट इन्होंने की थी। ओके, सो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है डूरेंट लाइन, वो जो है डिफाइन हुआ था। ओके, और ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है 1891, इसने क्या किया था कि जो शादी की एज है, मैरिजेबल एज है, उसको इंक्रीज कर दिया गया था। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंस डाउन के बारे में। अब और एक लास्ट आज के लेसन का, लॉर्ड एल्गिन टू। ओके, सो एल्गिन वन देखा था, एल्गिन टू है ये 1894 से 1899 तक। सो वही जो मैंने आपको बताया कि भाई इनके दौरान में दुनिया भर का जो भूखमरी और सूखा जो पड़ रखा था, फेमाइन, इंडियन फेमाइन 1896-97 हुआ, जिसने कि इतने लाख स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो अफेक्ट किया और इतनी जाने ली, 10 लाख जाने ली। ठीक है, सो फेमाइन कमीशन ऑफ 1897 हेडेड बाय सर जेम्स लायल वॉज अपॉइंटेड। ठीक है, और बबनिक प्लेग वॉज डिटेक्टेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो एक प्लेग वाली कंडीशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो गई थी, जिसमें कि कई हज़ारों की मौत हुई थी। ओके फ्रेंड्स, सो इसे हम फटाफट कंप्लीट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ज़्यादा टाइम प्री के लिए है नहीं, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप देख लो और कोशिश करो याद करने की। अगले लेसन में हम और कुछ जो बाकी हैं वाइस रॉयस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ऑसम डे। हेलो दोस्तों, सो इस लास्ट लेसन में जो रिमेनिंग वाइस रॉयस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। लॉर्ड कर्जन, सो 1899 से 1905 तक कर्जन थे। ओके, सो इनके टाइम में ही इन्होंने ही जो है इनको ही मस्ती सूझी थी कि भाई बंगाल का पार्टीशन हम कर देते हैं, है ना, तो ये तो चना मुर्रा था कि भाई ऐसे ही बांट दो। तो इन्होंने कोशिश की थी कि भाई ईस्टर्न बंगाल, असम और वेस्टर्न बंगाल में इसे बांट दिया जाए। ओके, सो जो स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल चला था, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी कमीशन जिसे रेलिक कमीशन भी कहा जाता है, सर थॉमस रेलिक के अंडर 1902 में इन्होंने सेटअप किया था। इसका काम ये था कि जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हालत ख़राब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही हैं, उनको देखना, उनके रीजंस को फाइंड आउट करना। ओके, और इसी के तहत इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 लाया गया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि रिवर इंडस के अपर बेसिन के एरिया को कवर करता है। कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899 का हुआ, एंशियंट माउंटेन्स एक्ट 1904। ओके, और इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स ICC, ये इनके कार्यकाल में आया था। ठीक है, और साथ ही साथ इंपीरियल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम में सेटअप हुआ, और एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेटअप हुई थी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें कुछ हुई थी कर्जन के टाइम में। और अब हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो टू की। सो लॉर्ड मिंटो टू जो है 1905 से 1910 के टाइम रहे, और इनके टाइम में क्या हुआ था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के जो मिंटो हैं वो यही साहब हैं। ओके, सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी लेसन बना चुका हूँ, सो वो आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 जो है वो पास किया गया था। ओके, सो उसने क्या किया था, इस एक्ट ने फाइन और पेनल्टीज़ जो है, मतलब अंग्रेज यही करते थे कि भाई अगर प्रेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ छाप रहे हैं तो उनको बंद कर दो, उनका मुंह चुप करा दो, उन पे फाइन डाल दो, उन पे पेनल्टीज डाल दो। सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा और लॉर्ड सिन्हा ऑफ रायपुर वॉज अपॉइंटेड एज मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, तो ये कुछ लॉर्ड मिंटो के टाइम का था। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ इन्होंने इनके टाइम में सेटअप हुई थी। और एक इंडियन डिसेंट्रलाइजेशन कमिटी अपॉइंट किया गया था, एक अरुणडेले कमिटी ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो था उसकी रिपोर्ट भी इनके टाइम में ही सबमिट हुई थी। लॉर्ड हार्डिंगे टू की बात करते हैं, सो 1910 से 1916 हार्डिंगे थे। ओके, सो कैपिटल जो है, कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करने का जो फैसला था, भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल्ड द कैपिटल शिफ्टेड बेसिकली टू दिल्ली। ओके, सो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था टू कमेमोरेट द कोरोनेशन ऑफ जॉर्ज फाइव, इनके टाइम में हुआ था। कैपिटल ऑफ इंडिया जो है कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट हुआ था इनके टाइम में 1911 में। ओके, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई अब पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं किया जा रहा, एन्यूल कर दिया उसे 1911 में। ओके, और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 या फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे हम हार्डिंगे बॉम्ब केस भी कहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें थी हार्डिंगे टू के टाइम पे। और एक गदर पार्टी,
सोगदर पार्टी 1913 में फॉर्म की गई थी सोहन सिंह भकना द्वारा, इनके टाइम में ही था। 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जर्मनी में फॉर्म की गई थी। हिंदू महासभा का फॉर्मेशन हुआ था मदन मोहन मालवीय द्वारा 1914 में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी जो है स्टैब्लिश हुई थी वाराणसी में अंडर BHU एक्ट 1915, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ ही था, ये आपको पता ही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो ये स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेना आप, CHELMSFORD। ओके, सो 1916 से 1921 रहे। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का जो 1919 का एक्ट है, और इनके टाइम में ही रौलत कमेटी, रौलत एक्ट और जलियांवाला बाग और सारी चीज़ें इनके टाइम में ही हुई थी। ओके, सत्याग्रह मूवमेंट। ओके, सो गांधी जी का जो है धीरे धीरे इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ रहा था। लखनऊ सेशन एंड लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, जिसमें क्या हुआ था भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका जो मतलब मुस्लिम लीग है उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। ओके, तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुई थी, ठीक है। खिलाफत कमेटी, खिलाफत मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये तो कंटेम्प्ररी टाइप का लगेगा थोड़ा सा। और हंटर कमीशन एक हेड किया गया था, विलियम हंटर इनके हेड थे। सो ये हंटर कमीशन का ये काम था कि भाई जो जलियांवाला बाग हुआ है जनरल डायर, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये एक पूरी तरीके से आई वॉश एक धोखा था, हुआ कुछ नहीं उसका। अब हम बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। सो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक थे। ओके, सो रौलत एक्ट, प्रेस एक्ट और जो भी सारी चीज़ें थी उन्होंने इसको रिवोक किया, उसको ख़त्म किया। देन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS जो है आपको पता ही है, RSS। ओके, सो 1925 में RSS फाउंडेड ऑन हुई थी केशव हेडगेवार द्वारा, विद द एम ऑफ अपहोल्डिंग इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशनल वैल्यूज। ली कमीशन अपॉइंट हुआ था 1923 में, जिसका काम ये था कि भाई जो रेशियल कंपोजिशन है सुपीरियर पब्लिक सर्विस में, उसको स्टडी करना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी दिसंबर 1925 में, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जो काकोरी लूट जो कहा जाता है, वो हुआ था रीडिंग के टाइम पे। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। 1926 से 1931 तक ये थे। तो साइमन कमीशन, और फिर गांधी इरविन पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह सारी चीज़ें हुई थी। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो था 1930 में। ओके, और साथ ही साथ लॉर्ड इरविन ने इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस जो कि धनबाद में है उसकी फाउंडेशन की थी, टू डेवलप माइनिंग एंड जियोलॉजिकल साइंसेज। दीपावली डिक्लेरेशन 1929। ओके, तो ये सारी चीज़ें इरविन के टाइम पे हुई थी। ओके, और साथ ही साथ फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की मीटिंग 1928 में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड विलिंगटन। सो ये भी 5 साल तक थे लॉर्ड विलिंगटन। सो कांग्रेस ने 1931 में सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को फिर से रिज्यूम किया, और लॉर्ड विलिंगटन के ही ऑर्डर्स में महात्मा गांधी को सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के शुरू होने के जस्ट एक हफ्ते बाद अरेस्ट कर लिया गया, और अगले 4 महीने में लगभग 80,000 लोगों को जेल के पीछे भर दिया गया। कम्युनल अवार्ड जो कि रामसे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 का गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर मेजर अर्थक्वेक बिहार में 1934 में, और बर्मा एंड एडेन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर इन 1935। ओके, सो सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया हुआ था विलिंगटन के टाइम पे। अब हम बात करते हैं लिनलिथ गोव की। सो ये 36 से 43 रहे, और ये सबसे ज़्यादा बेसिकली ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस रॉय। हिज वन ऑफ द इनिशियल टास्क वॉज टू पुट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, सो 1935 जो इनके कार्यकाल से जस्ट 1 साल पहले आया था, उसको अब ग्राउंड में ला के इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको उसका काम इनके ऊपर था, ठीक है। और ही हेल्ड प्रोविंशियल इलेक्शंस इन 1937, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। हिज टेन्योर ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस वॉज पुट अंडर अरेस्ट इन 1940 एंड सब्सिक्वेंटली अंडर हाउस अरेस्ट ड्यू टू पुअर हेल्थ। और साथ ही साथ टू नेशन थ्योरी, जिन्ना ने टेन्योर लेनलिथ गोव के टेन्योर में ही ये सारी चीज़ें हुई थी। और टू गार्नर मोर सपोर्ट फ्रॉम इंडियन लीडर्स फॉर वर्ल्ड वॉर टू, लिनलिथ गोव ने ही जो है अगस्त ऑफर का प्रपोजल दिया था, ठीक है। और फिर क्रिप्स मिशन और ये सारी चीज़ें जो हुई थी, लिनलिथ गोव ही थे उस टाइम वाइस रॉय, और तब ये सब चीज़ें आया था, ठीक है। सो पुअर हैंडलिंग ऑफ बंगाल फेमाइन ऑफ 1943,
ये लॉर्ड लिनलिथगो के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग रहा कि भाई इन्होंने उसको उस सिचुएशन को हैंडल इन्होंने नहीं किया, नहीं कर पाई है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड वेवल की। सो 1944 43 लास्ट 44 स्टार्ट से 47 तक रहे। सो यही ग्रेट फेमाइन बंगाल 1943, फिर वेवल प्लान। ओके, सो वेवल प्लान जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वेवल प्लान के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ सकते हैं। वेवल प्लान के बारे में मैं एक लेसन वैसे भी ऑलरेडी बनाने जा रहा हूँ। और उसके अलावा वेवल का कुछ खास उतना योगदान रहा नहीं। फिर हम बात करेंगे अगर वेवल की ही, तो थोड़ा सा शिमला कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे हुई। उसके बाद यूके में गवर्नमेंट चेंज हुआ था, कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर लॉर्ड वेवल को हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बना दिया गया। ठीक है, सो क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया कि भाई फ्रीडम ऑफ इंडिया, बेसिकली भारत को आज़ादी दे दी जाएगी 20 फरवरी 1947 को, है ना, जून 1948 से पहले फ्रीडम प्रोवाइड करने का प्लान था। अब आते हैं माउंटबेटन पे। सो माउंटबेटन ही थे जो फाइनली इंडिया आज़ाद हुआ। ठीक है, सो उनके पास सबसे बड़ा इशू ये था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया को ट्रांसफ़र करना है पावर, और 1948 जून से पहले सारा कुछ जो है ख़त्म करना है, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करनी, बिकॉज यूपीएससी वाले थक चुके हैं यार पढ़ पढ़ के। सो ही कंडक्टेड निगोशिएशंस विद बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और इनको ये लगा कि भाई अब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, यूनाइटेड पॉसिबल नहीं है, बिना इंडिया पाकिस्तान बने आज़ादी नहीं हो पाएगी। लॉर्ड बैटन माउंट बैटन ने ही पार्टीशन प्लान जो है अनाउंस किया 3 जून 1947 में, और फिर फाइनली भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। ठीक है, सो पार्टीशन बिल जो है जुलाई 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया, और इंडिपेंडेंस के बाद लॉर्ड माउंट बैटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और 1948 जून तक वो रहे। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके इंटीग्रेशन में भी माउंट बैटन ने अच्छा खासा रोल निभाया था। सो जो आपने सुना होगा जूनागढ़ वगैरह वगैरह, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सारी चीज़ें जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर अभी तक बनी रखा है, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सी राजगोपालाचारी। सो सी राजगोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, पहले कौन थे, माउंट बैटन, और इंडिया के एकमात्र गवर्नर जनरल, बिकॉज उसके बाद ये पोस्ट खत्म हो गई थी। ठीक है, सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिफोर दिस ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और उसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट भी ज्वाइन की 1950 में। ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे बिना किसी पोर्टफोलियो के, और उसके बाद ये होम मिनिस्टर भी बने। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये वाइस रॉय एंड देयर कंट्रीब्यूशंस का सीरीज, आप मुझे बताइए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ऑसम डे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो कुछ एमसीक्यूज और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। सो लेट्स स्टार्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या था, ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी, और इससे आप बस इसको ऐसा समझो कि भाई हर हिंदू का, यहाँ पे हम हिंदू रूलर्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, सो एवरी हिंदू रूलर हैज़ अ राइट टू अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, सो अगर किसी का खुद का बच्चा नहीं है, एडॉप्ट कर सकता था वो मेल चाइल्ड, और उसको वो सारे प्रिविलेजेस सारे राइट्स मिलते थे जो कि एक उसके खुद के बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, और वो उसके मतलब एक तरीके से जो राजकुमार जो कहा जाता था कि हाँ भाई अब बाप के बाद बेटा जो है राजा बनेगा। सो ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि भाई ब्रिटिश एनेक्स कर लेगा उस पर्टिकुलर राज्य को अगर किसी राजा का नेचुरल कोई मतलब संतान नहीं होती है, मतलब कि उसकी एडॉप्ट करने की जो राइट है उसको छीन लिया गया। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स मतलब कि अब आपका काम खत्म, छूट गया आपसे। ओके, और उस टाइम में एक पैरामाउंट सी का तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा था। पैरामाउंट सी मतलब कि भाई ब्रिटिश की अथॉरिटी जो है वो पैरामाउंट है, मतलब कि सबसे ऊपर में ब्रिटिशर्स ही हैं। ओके, सो लोकल रूलर्स उनके अंदर आते हैं। सो ब्रिटिश हैव टू एनेक्स इफ देयर इज नो नेचुरल मेल हेयर ऑफ अ रूलर। सो राइट टू अडॉप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। सो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था। सो कुल मिला के ये जो है उस टाइम जो भी वाइस रॉयस थे, गवर्नर जनरल थे, उनका मेन एम यही था कि भाई कैसे लोकल रूलर्स की टेरिटरी को हथियाया जाए। तो उसके लिए वो दुनिया भर की इस तरीके की इनोवेटिव पॉलिसीज लाए जा रहे थे, और वहाँ के राजाओं को बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे।
ठीक है भाई, उसका डेलहाउजी का तो उस टाइम काम ही ये था, और डेलहाउजी क्या, किसी भी वाइस रॉय का काम ही ये था कि कंपनी की टेरिटरी को एक्सपांड किया जाए, है ना। और उसका मकसद क्या था कि भाई उससे जो भी मतलब कमर्शियल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हेल्प मिले वो उसके करें उससे। तो यही कारण था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो लेके आए। ठीक है, शुरू शुरू में तो भाई अंग्रेज़ों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि हिंदू रूलर्स जो हैं वो बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई अगर हम ये पॉलिसी लाते हैं तो इससे जो है हम काफ़ी सारा जो है टेरिटरी हथिया सकते हैं। दिस वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसमें और कोई ज़्यादा मतलब खास डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। उसी तरीके से एक सब्सिडरी अलायंस था। सो सब्सिडरी अलायंस क्या था कि भाई ये भी एक डोमिनेटेड नेशन को कैसे रूल करना है उसका तरीका है। सो इसके तहत क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो है किसी लोकल रूलर के साथ एक अलायंस में चले गए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लोकल रूलर को कई सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता था, जैसे कि भाई उस पर्टिकुलर टेरिटरी में वो किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर से डील नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रिटिशर्स से डील करेंगे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो कोई वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, और ब्रिटिश फोर्सेस को जो है अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी देना पड़ेगा। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब कि कुल मिला के जो लोकल रूलर थे वो ब्रिटिशर्स के सब्सिडरी अलाइज हो गए। अब उनका जो लोकल रूलर्स हैं उनको बोल दिया ब्रिटिशर्स ने कि भाई अब तुम अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं रख सकते, ओके, इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स तुम्हारा नहीं होगा, मतलब कि ब्रिटिशर्स ही तुम्हें आर्म फोर्स प्रोवाइड करेंगे और वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, और उसके बदले में तुम्हें उसके आर्म फोर्सेस के मेंटेनेंस का खर्चा भी हमें देना पड़ेगा। तो उससे दो तीन चीज़ें हुई, आप समझो। पहला तो ये हुआ कि भाई सब्सिडरी अलायंस के तहत जो लोकल रूलर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के सब्सिडियर में आ गए, मतलब एक तरीके से उनके अंदर में हो गए। दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ ये हुई कि इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स रखने से जो है उनको रोक दिया गया। तो उससे क्या है कि इन फ्यूचर अगर आर्मी उन राजाओं की जो आर्मी है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई विरोध करना चाहे तो वो चीज़ तो यहीं पे उन्होंने काट दी कि भाई आर्मी बनने ही ना दो, तो विरोध का सवाल ही नहीं उठता। और तीसरी चीज़ कि उसका उन्होंने पैसा लेना भी स्टार्ट कर दिया, उस आर्मी की जो वो दे रहे हैं प्रोटेक्शन कंपनी जो दे रही है लोकल रूलर्स को, उसके मेंटेनेंस के लिए उन्होंने पैसा भी रूलर्स से स्टार्ट कर दिया लेना। सो दोनों तीनों चीज़ों का फायदा हुआ। दिस वॉज द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। कुछ क्वेश्चंस हैं। सो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। सो इन क्वेश्चंस को आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आंसर देखिए। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 का, वो जब रिपील हुआ, मतलब कि जब उसको बंद किया गया, तो कौन था गवर्नर जनरल? सो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड रिपन। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो किसके जमाने में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तरीके से भारत में आप बोल सकते हो आया, किसने स्टार्ट किया? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगेन लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कुछ फैक्चुअल चीज़ें। सो स्टेटमेंट है कुछ, पहला रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और दूसरा विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो दूसरा स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है जैसा कि आपको पता ही है। सो करेक्ट आंसर इज ओनली टू। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। क्वेश्चन नंबर फोर, अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन डिड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब अपना काम स्टार्ट किया तब किसकी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी इंडिया में, बताओ? करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, कुछ पेयर्स दिए गए हैं, सो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड डलहौजी करेक्ट है ये। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, बिल्कुल लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और फिर सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेसली, बिल्कुल करेक्ट है। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये था किसके ज़माने में, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। सो कर्जन नहीं थे, ये गलत है, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। सो ये तो बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप का है, ये मैच द फॉलोइंग ही है, टाइप का क्या। सो किस वाइस रॉय के अंदर में ये विजिट्स हुई थी, ये आपको मतलब कौन किससे एसोसिएटेड है, बस ये आपको देखना है। ठीक है, सो क्या करेक्ट आंसर होगा? साइमन कमीशन किसके टाइम में आया था? लॉर्ड इरविन के टाइम में। ठीक है, सो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन, आपको पता है, तो डी टू हो ही नहीं सकता, डी थ्री ही होगा।
सो आपके दो स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गए। ये तरीका होता है। देखे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मतलब आपके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25% है, लेकिन आपने दो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए, अब आपकी करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50% हो गई। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसका आपको यूज़ करना है प्रिलिम्स में, ठीक है। सो डी साइमन कमीशन का लॉर्ड इरविन हो गया, तो इससे आपको ये पता चल गया कि भाई बी और डी जो है करेक्ट आंसर होंगे। अब बी और डी करेक्ट आंसर होंगे तो इससे आप ये भी देख लो कि ए का तो 2 ही होगा, इसका मतलब किंग जॉर्ज 5 जो है हार्डिंगे के टाइम में ही आया था। अब बस आपको क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में से देखना है कि बी का 4 है या 1 है, और आपने देख लिया तो आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है। सो क्रिप्स मिशन लिनलिथ गो, कैबिनेट मिशन वेवेल, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। सो दिस इज इट। और बताइए आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि वाइस रॉयस का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था, कोर्स जो था, जिसमें 4-5 लेसन मैंने क्लियर आउट किए हैं, ये आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो गाइस फॉलो मी हियर, इनरोल इन द कोर्स, और साथ ही साथ जो मस्ट गो थ्रू टॉपिक्स हैं उनको आप ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स के लिए। कल मैंने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी उसमें एक लेसन बनाया है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स भी मैं कंटिन्यू ऐड ऑन कर रहा हूँ, सो आप वो भी कंटिन्यू देखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ऑसम डे।